वेलकम टू कुक इंडिया यूट्यूब चैनल स्पॉन्सर्ड बाय मक्खन मार्केट और मैं हूं आपका शेफ आशीष। आज जो रेसिपी बनाने जा रहा हूं, मैंने पहले इसका वर्जन बनाया बट दैट वाज अ नॉनवेज वर्जन। तो हमारे कई मित्रों ने, कई सब्सक्राइबर ने ये पूछा है कि क्या हम इसका एक वेज वर्जन भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक, हम आज बनाने जा रहे हैं वेज क्रिस्पी लॉलीपॉप। हमें कुछ नहीं ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत ही सिंपल है। आप चाहें तो उसके अंदर और अपने वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट करते हैं, सीधे चलते हैं इंग्रेडिएंट्स पे और बनाना चालू करते हैं। अपनी लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं, मैश्ड पोटैटो लिए हैं, 3 आलू के, थोड़ा कॉर्नफ्लावर, मैदा, मेरे पास थोड़े से पहले के मशरूम्स पड़े हुए थे और कुछ अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स ली हैं। फ्रेशली कट कैबेज है, ग्रेटेड कैरेट है, ब्रोकली पड़ी थी, थोड़ी चॉप कोरिएंडर है और स्प्रिंग अनियंस है और चीज़ है। बाकी हमारे पास अपने रेगुलर मसाले हैं। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे बनाते हैं अपनी वेजिटेरियन लॉलीपॉप। तो सबसे पहले जो मैंने अपना मैश पोटैटोज लिए हैं, उसके अंदर डलेंगी गाजर, ग्रेटेड कैबेज, ब्रोकली ग्रेटेड है वो डलेगी, मेरे पास प्याज पड़ा है स्प्रिंग अनियन का, आगे वाला पार्ट वो डाल रहा हूँ, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है वो डाल रहा हूँ, मेरे पास कोरिएंडर चॉप है वो डाल रहा हूँ और मेरे पास कुछ मशरूम पड़े हैं चॉप्ड, मैं उनको डाल रहा हूँ। अब इन सबको अच्छी तरह हम मिला लेंगे और हम फिर इसकी सीजनिंग करेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डाला है किचन किंग, बिल्कुल हल्की सी हल्दी डालेंगे हम। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक, थोड़ा सा नमक और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हल्का सा रेड चिली सॉस, बिल्कुल थोड़ी सी ऑरिगेनो, बस अभी पहले हम इसको करेंगे और इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इसको और अच्छी बाइंडिंग देने के लिए इसके अंदर ब्रेड क्रम। हम इसको अच्छी तरह हम मिलाते हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। और सबसे आखिरी में हम इसको सीजनिंग में नमक डालेंगे। अभी इसको हम सीजन करते हैं, पहले अच्छी तरह मिल जाए। मैं देखूंगी, मुझे थोड़ी और वेजिटेबल्स की तो ऐसे अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हम इसको करते हैं राउंड। अब लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आपका मिक्सचर है, मैंने मेरे पास कुछ वुडन स्पून्स पड़े थे, मैंने आगे से इसको काट लिया है तो ये स्टिक्स ही बन गई है। नहीं है तो जैसे मैंने बताया, आप आटे का भी हल्के हल्के रोल करके स्टिक बना के उनको फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस पर बिठाएंगे, तो क्या करना है, ऐसे लेना है और इसके ऊपर आराम आराम से हर एंगल से इसको आपने सील करते जाना है। यानी आप जैसे बॉल बनाते हैं ना, आपने इसको धीरे धीरे, आप देखो धीरे धीरे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको क्योंकि मिक्सचर की जो आपकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये बड़े ही आराम से इसने अपना शेप पकड़ लिया है। हम ऐसे ही बना के इसको अब कॉर्नफ्लावर के और मैदे के बैटर में डिप करेंगे। एक मैदा और कॉर्नफ्लावर का बैटर यूज़ करा है, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून है और मैदा 1 टेबलस्पून है। अब हम अपने ये जो लॉलीपॉप स्टिक्स हैं इसको डिप नहीं करेंगे, इस पर आराम आराम से ये वाला जो स्लरी है मेरी वो मैं डालूँ, क्योंकि मैं डिप करूँगा तो वो ज़्यादा मॉइस्चर ले जाएगा। मुझे देखना है ये हर जगह से इसको अच्छी तरह कर ले। अब मुझे ये जो है दूसरे हाथ से मैं इसके अंदर डालूंगा और इसको आराम आराम से हर एक एंगल से कोट करूंगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे देखना है कि ये जो मेरी टॉप साइड है ये कोट हो जाए। अब इसको मैं थोड़ी देर रेस्ट करने दूंगा और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ये जो हमारा लॉलीपॉप है, हम इसको मीडियम फ्लेम पे बड़े ही आराम से अंदर छोड़ेंगे। अभी इसको हम
आराम से मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन होने देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और फिर आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। और अगर हमारे पास शेफी स्टिक्स ना हो तो फिर हम कैसे करें? नहीं है तो उसका भी तरीका मैं दिखाता हूँ। आटे को पतला पतला स्टिक्स की तरह करके आप हल्का सा फ्राई कर लीजिए उसको, तो वो भी पकी हुई एक स्टिक जैसी लगेगी। मैं आपको एक करके अभी इसके बाद दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी लॉलीपॉप बिल्कुल अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे वेज क्रिस्पी लॉलीपॉप स्टिक्स रेडी हो गए हैं। आपने देखा कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली मैश पटाटो अच्छे चाहिए, ब्रेड क्रम्ब अच्छे चाहिए और इसके अलावा कोई और वेजिटेबल डालना चाहते हैं और डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वेजिटेबल कुक करके डाल लें तो थोड़े से जितने वेजिटेबल उनको हल्का सा सौते करके थोड़े से कुक करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने रॉनेस इसलिए रखी थी क्योंकि जितना अच्छा ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो रॉ भी खा सकते हैं हम। बस मैंने खाली ब्रोकली को बॉईल करके रखा था, उसको हमने ग्रेट करा था। आप चाहें तो कैबेज और कैरेट को सौते करके और थोड़ा सा पका के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी अच्छा फ्लेवर देगा। और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपनी इवनिंग स्नैक्स में करिए, गेस्टों के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, सबके लिए बनाइए। और हमें कमेंट में बताइए कैसा लगा। हमारा कुक इंडिया यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और घर पे रहिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बी हैप्पी।